घर, हमारा प्यारा घर, किसी का मल्टी स्टोरी में होता है, किसी का गांव में होता है, कोई पहाड़ों में रहता है तो कोई हरे मैदानों में, पर भाई घर तो घर होता है। मैं पहुंचा हूं मणिपुर के ऐसे घरों में जो पानी के ऊपर बने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकताक लेक में ये घर बने हैं, एक ओएमजी सरफेस पर। जी हाँ, फुमड़ीज पर, जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी लेक में पाए जाते हैं। ओएमजी, आप पूछेंगे कि ये फुमड़ीज होती क्या है। करीब 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस लेक में तैरते ये फ्लोटिंग सॉइल ब्लॉक्स हैं फुमड़ी, जो बने हैं तैरती घास फूस और मिट्टी परत दर परत जुड़ने से। इनकी खास बात यह है कि ये पानी में डूबते नहीं है। इनका 20% हिस्सा पानी के ऊपर और 80% हिस्सा पानी के नीचे रहता है। और ये इतने मजबूत हैं कि मैथी कम्युनिटी की हजारों फैमिलीज ने ऐसे ही फुमड़ी पर अपने घर बनाए हुए हैं। OMG, हम लोगों के घर का एड्रेस तो सेम ही रहता है, पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फुमड़ियाँ तैरती रहती हैं। मान लीजिए रात में नॉर्थ में सोए हैं और सुबह लेक के साउथ की तरफ पहुंच गए। वाओ, व्हाट एन ओएमजी फुमड़ी। दोस्तों, इन फुमड़ी पर इनके घर तो बने हैं, बच्चों का स्कूल भी इन्हीं में से एक फुमड़ी पर है, और मैथी कम्युनिटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी मछलियां पकड़ने का काम भी ये इन्हीं की मदद से करते हैं। हम लोग यहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं। उसके लिए रात को 4 बजे जाना पड़ता है, तो हम शाम को ही रेस्ट कर पाते हैं। 3 दिन के बाद मछली को मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। उस पैसों से घर का सामान जैसे कि दाल चावल खरीद कर लाते हैं और वही खाते हैं। हमारे पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है, इसीलिए हम यही रहते हैं। नेचर के बीच रहने के अपने ही अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी ने उन चैलेंजेस को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि नेचर के हिसाब से अपना रहन सहन भी बदला। ये जो गोल गोल फुमड़ियां दिख रही हैं, ये मैन मेड हैं। फिश फार्मिंग के लिए इन्हें गोल शेप दिया जाता है ताकि मछली पकड़ने में आसानी हो। नवंबर दिसंबर के महीनों में हम लोग फोम से सर्कल बनाना शुरू करते हैं। मच्छी पकड़ने के लिए सर्कल के बीच में चारा डाला जाता है। अगर किस्मत अच्छी रहे तो इस दौरान काफी कमाई हो जाती है। लोकताक लेक में ही 40 स्क्वायर किलोमीटर की एक बड़ी फुमड़ी है, जो दुनिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। OMG, इस तैरती पार्क का अपना ही एक यूनिक इकोसिस्टम है, जहाँ इंडियन पाइथन और बार्किंग डियर जैसे रेयर स्पीशीज भी हैं, और सबसे खास तो यहाँ का संगाई डियर है। पूरी दुनिया में यही इसका एक लौता हैबिटेट है। गांव वालों के सपोर्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से कैबुल लामजाओ संगाई डियर का परफेक्ट होम बन गया है। हम इंडियंस की अमेजिंग बात यह है कि हम किसी भी नेचुरल कंडीशन में रहने के तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे मणिपुर की इस मेथी कम्युनिटी ने नेचर के साथ एक ऐसा अनोखा तालमेल बिठाया जो अपने आप में OMG है।